नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं आपका मित्र लोम सिंह राजपूत आज आपके लिए आलू की खेती से संबंधित जानकारी दे रहा हूं। किसान साथियों, आलू की बुवाई शुरू हो चुकी है और अक्टूबर का महीना चल रहा है। आलू की जो बुवाई है वो आपकी अक्टूबर के महीना में मोस्टली हो जाएगी, लेकिन कुछ जो बचेगी उसको नवम्बर के महीने में इसकी बुवाई की जाएगी। तो चूँकि नवम्बर का जो महीना है वो आलू की बुवाई के हिसाब से थोड़ा सा लेट हो जाता है, 15 नवंबर के बाद आलू की अगर बात करें तो वो काफ़ी लेट होने लगता है। जो अगेती आलू है वो अक्टूबर में उसकी बुवाई हो जाती है और जो मध्यम आलू है वो आपका नवंबर में उसकी बुवाई कर दी जाती है। तो किसान साथियों, आलू की बुवाई करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आलू की बुवाई करने से पहले मिट्टी को अच्छे से उपचारित कर लेना चाहिए और मिट्टी में अच्छी मात्रा में हमारे लिए कंपोस्ट खाद मिला देनी चाहिए। कंपोस्ट खाद ऐसी हो जिसमें घरों का कूड़ा कचरा और जो हमारे पशुओं के गोबर की खाद होती है, इसका जो मिक्सचर होता है, वही खाद अगर खेतों में लगा रहे हैं तो बहुत अच्छा काम करती है। तो किसान साथियों, देसी खाद के साथ साथ हम कुछ रासायनिक खादें के लिए और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट की भी आलू की फसल में देने की आवश्यकता होती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करें तो इसमें आपके लिए बहुत सारे प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे, जिसमें आप फेरस है, कॉपर है, मॉलिब्डेनम है, और आप जो है इसमें मैग्नीज है, जिंक है, इन सब चीज़ों का कम्बिनेशन वाले कुछ भी उर्वरक के लिए ले सकते हैं जो कि मार्केट में आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट के नाम से आते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं कि आलू की फसल बोने के लिए हमको खेत के लिए कैसे तैयार करना चाहिए। खेत जो है हमारा या तो असाढ़ा खेत है या फिर दुसाया है। असाढ़े का मतलब ये है कि वर्षा ऋतु में अगर उसमें कोई फसल नहीं हुई तो हम उसको असाढ़ा कहते हैं, और अगर मान लो हमने धान की खेती या फिर कोई अन्य फसल की है तो उसके बाद आलू की खेती कर रहे हैं तो हमारे लिए कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। ऐसे में हम देसी खाद खेत में मिलाएंगे अच्छे से और उसके बाद में खेत की जुताई अच्छे से कर देंगे। जुताई करने के पश्चात एक पलेवा किया जाता है। पलेवा करने के बाद में जब खेत में ओट आ जाती है तब हम आलू की बुवाई करते हैं। आलू की बुवाई करने से पहले मिट्टी के लिए ट्राइकोडर्मा से उपचारित कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। ट्राइकोडर्मा से उपचारित करने के लिए, ट्राइकोडर्मा के लिए हमारे लिए 1 किलो ट्राइकोडर्मा के लिए 100 किलोग्राम कंपोस्ट खाद में अच्छे से मिलाकर और छायादार स्थान में 1 सप्ताह के लिए छोड़ देते हैं, जिससे कि जो भी उसके अंदर बैक्टीरियाज होते हैं वो आपके मल्टीप्लाई हो जाएं। वो उनकी जब संख्या बढ़ जाती है तब हम उसके लिए खेत में अंतिम जुताई के साथ मिला देते हैं, और खेत में अच्छे से मिलाने के बाद में हम खेत की जुताई कर देते हैं। जुताई करने के पश्चात हम आलू की बुवाई कर देते हैं। ऐसा करने से किसान साथियों, जितने भी मृदा जनित रोग हैं वो हमारी फसल में नहीं लगते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे मृदा जनित रोग हैं जिनसे फसल पे काफ़ी हानि होती है और जो कंद होता है आलू का वो काफ़ी इन्फेक्टेड हो जाता है। तो ऐसी समस्या से बचाने के लिए हमारे लिए ट्राइकोडर्मा से मिट्टी का उपचार करना बहुत ही आवश्यक होता है। ट्राइकोडर्मा से उपचार करने से आपका जितने भी सूत्रकृमि होते हैं, जिनके हम नीमेटोड कहते हैं, इनकी मात्रा भी बहुत कम हो जाती है, यानी सूत्रकृमि हमारी फसल में नहीं लगते हैं। तो किसान भाइयों, इस तरह से हम अपनी मिट्टी को उपचारित कर लेते हैं। किसान भाइयों, बीज की बुवाई से पूर्व हमको बीज को भी उपचारित करना चाहिए। बीज को उपचारित करने के लिए भी हम ट्राइकोडर्मा का उपयोग कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा से अगर बीज को उपचारित करना है तो ट्राइकोडर्मा के लिए 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से ट्राइकोडर्मा से हम बीज को उपचारित कर सकते हैं। क्योंकि आलू का जो बीज होता है वो आलू का कंद थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए हम अगर इसके लिए डुबाने की कोशिश करें तो थोड़ा सा मुश्किल है। तो हम इसमें ऐसा करते हैं कि प्रॉपर मात्रा में हम जो ट्राइकोडर्मा है उसका घोल बनाने के बाद में और आलू के लिए किसी छायादार स्थान में बहुत ही हल्का इसको फैला लिया जाता है। उसके बाद में इस पर अगर हम स्प्रे कर दें और एक बार स्प्रे करने के लगभग 8 घंटे बाद दोबारा से आलू के लिए हम उसको घुमा दें, यानी कि आलू के लिए दोबारा से हम उसमें जो उसके कंद होते हैं उनका अगर आकृति बदल दें तो दोबारा से फिर हम उसमें स्प्रे करेंगे तो दोनों तरफ से आलू हमारा कोटेड हो जाता है
और वो अच्छे से फिर उपचारित भी हो जाता है। फिर हम उसकी लगभग 24 घंटे के बाद, उपचारित करने के 24 घंटे के बाद में हम बीज का बुवाई कर सकते हैं। ऐसा करने से हमारा जो जितने भी आलू के अंदर पुराने डिजीज होते हैं, जितने भी फंगस पैथोजन वगैरह लगे होते हैं, वो उससे निष्क्रिय हो जाते हैं या मर जाते हैं, जिससे कि हमारी जो फसल है आलू की, जब बुवाई करते हैं तो उसमें जो बीज जनित रोग होते हैं वो ना लगते हैं। तो किसान भाइयों, इस तरह से जब हमारी बीज को उपचारित कर दिया जाता है, तब फिर हम अपने खेत में आलू की बुवाई कर देते हैं। बुवाई करने के पश्चात हम देखते हैं लगभग 7 से 8 दिन में बीज का अंकुरण होना शुरू हो जाता है, और जब हमारी फसल लगभग 20 से 22 दिन की हो जाए, तब हमको एक हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए, जिससे कि आलू की जो मेड़ होती है, इसको हम कूड़ बोलते हैं, वो पूर्णतः भीगे नहीं, लेकिन उसमें पानी थोड़ा घूम के निकल जाए, जिससे कि आलू के जो कंद हैं वहाँ तक प्रॉपर नमी बन जाए। नमी बनने से ये होता है कि आलू के अंदर जो ड्राइनेस होती है, जो खेत में शुष्कता होती है, वो शुष्कता कम हो जाती है, और उससे हमारा जो पौधे की ग्रोथ है वो ठीक होने लगती है। जब हमारी फसल लगभग 1 महीने से 35 दिन की हो जाए, तो उस समय पर खेत में हरियाली दिखने लगती है। लेकिन ऐसे में फिर हमारे लिए अपने खेत में M45 की स्प्रे करनी चाहिए। M45 की स्प्रे इसलिए की जाती है कि जो अर्ली ब्लाइट खेत में अटैक करता है, उससे बचाने के लिए M45 की स्प्रे हम लोग करते हैं। इसके बाद में टाइम टू टाइम खेत में सिंचाई करते रहना चाहिए, और सिंचाई के साथ साथ जो भी आवश्यक चीज़ें हैं उनका हमें इस्तेमाल करते रहना चाहिए। समय समय पर हमें फसल का निरीक्षण करना चाहिए, जिससे कि किसी भी प्रकार के अगर रोग लग रहे हैं, तो रोगों के बारे में हमको पहले से ही पता हो और हम उनके उपचार के लिए समय से सचेत हो जाएं। तो आलू की फसल में रोग आपका अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट लगता है, तो लेट ब्लाइट से बचाने के लिए भी हमारे लिए जो अच्छे फंजीसाइड हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। उनके बारे में मैं आगे चल के वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपके लिए आलू की बुवाई से संबंधित जानकारी दिया हूं, और इसके लिए आप लोग देखें। किसान भाइयों, आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि आप मेरी आने वाली सभी वीडियो को देखा करें, जिससे कि आपके लिए अच्छी से अच्छी जानकारी मिलती रहे, और मैं इसी तरह से आपके लिए समय समय पर फसलों से संबंधित जानकारियाँ देता रहूँगा। आप लोग इसी तरह से हमारे चैनल पर जुड़े रहिए और हमारी वीडियो को देखते रहिए, जिससे कि आपके लिए अच्छी से अच्छी जानकारी मिल पाए। तो किसान भाइयों, हम आज इस वीडियो में आपसे विदा लेते हैं, अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय।